तो बजट अनुपूरक बजट 2963 करोड़ 12 लाख का था विभिन्न विभागों का। विभागों का अगर ब्यौरा चाहिए तो मेरे पास है, देंगे, लेकिन उतना बड़ा लंबा क्यों कीजिएगा। था इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग और ऊर्जा विभाग का था। जरूरत थी उनको, उन्होंने मांगा, उनको पैसे सरकार ने दिया। कितना था ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग का, याद करने दीजिए हमको। हाँ बता, ऊर्जा विभाग का था 588.68 करोड़, स्वास्थ्य विभाग का था 580.29 करोड़। तो बड़ा अमाउंट यही दोनों था, बाकी छोटे छोटे थे, किसी का 45 करोड़, किसी का 12 लाख लाख में भी था। ताकि जैसे मैंने कहा कि हर पैसे को खर्च करने के पहले सदन की अनुमति लेनी पड़ती, विधानसभा की अनुमति लेनी पड़ती, वही है। देखिए, श्वेत पत्र का मकसद क्या होता है पहले ही जान लीजिए। हर को कह दें कि श्वेत पत्र, जैसे हम लोग श्वेत पत्र जारी किए जब सरकार में आया तब, इसलिए जारी किए कि बहुत सी अनियमितताएँ हुई उस समय, अनियमितताएँ बहुत से हुई, फिजूल खर्ची हुई। देखिए, आपके पास सरकार के पास जो पैसे आते हैं, बहुत स्पष्ट है उस पैसे को आप जनहित में लगाएं। और जैसे अपने भाषण में कहा मैंने, एक्सपेंडिचर का थ्योरी है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। हर पैसे जो खर्चा करें आप, तो सोशल सोसाइटी को उसका एडवांटेज, लाभ मिलना चाहिए, उस तरह से खर्चा होना चाहिए। अब जिस तरह से खर्चा पिछली सरकार में हुआ था, उससे सोसाइटी को लाभ नहीं हुआ। 2000-3000 रुपये पर प्लेट खाना खाया, उनका पेट भरा, उनको स्वाद लगा, उनको फ़ायदा हुआ होगा, जन साधारण को उस पैसे से फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने बताया कि हमारी सरकार है, हर पैसे का हिसाब रखती है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिचर पर काम करती है। हम देखते हैं वित्त मंत्री के हैसियत से भी देखते हैं, पैसा आता है देखते हैं कहाँ खर्च कीजिएगा, क्या फ़ायदा होगा, इसीलिए लाए हैं आउटकम बजट का कंसेप्ट। आप खर्च कीजिएगा उसका आउटकम क्या है, आउटपुट क्या होगा, और फिर आउटकम का असर आउटकम में कैसे होगा, दोनों अलग अलग है। आउटपुट की है एक, एक है आउटकम अलग, तो दोनों में कैसे होगा। तो वही जिसे उन्होंने कहा, दो विभाग का उनको जवाब भी मैंने दिया, दोनों विभाग जरूरी विभाग हैं, उस पर जो खर्च होगा हमारा, एक तो सेंटर से पैसा मिला था 15वें वित्त आयोग के द्वारा, तो देना था हमको, इसलिए दिए उनको। लेकिन जब खर्च होगा तो हम देखेगी, सरकार देखेगी कि कैसे इसका उपयोग होता है। सर, कल एंटी मॉब लिंचिंग बिल आने वाला है, क्या कुछ उसमें है, कुछ अमेंडमेंट करने की बात नहीं? एक ने सलाह दिया है, अब कल पहले इंट्रोड्यूस तो हो जाए बिल, उसके बाद में उस पर चर्चा होगी। अभी तो कल्पना की बात हो जाएगी, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सदन का भाग बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा, तब उसमें सवाल पूछे तो बढ़िया रहेगा। ये कहा जाए कि उसमें जो पहले डेथ वारंट का जो पहले था, उसको हटा के उम्र कैद की बात कही जा रही है। देखिए, ऐसा है, प्राण लेने का किसको अधिकार है बताइए? जान लेने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। ईश्वर ने प्राण दिया है, वही ले सकता है, जन्म दिया, मृत्यु के रूप में प्राण ले देता है। मेरे ख्याल से मैं उस मत का हूँ कि राज्य को अधिकार नहीं है किसी को किसी के प्राण लेने का, इसलिए मैं फांसी के विरुद्ध रहता हूँ। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in